जी बिसमिल वेलकम टू सप्सिस पॉडकास्ट एपिसोड फाइव आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पीसी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के चेंजेस हमें देखने में आ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया और डिजिटल प्रेजेंस हमारे नजदीक जो इसके पानियर हैं इब्राहिम बदीर साहब उनसे हम बड़ी दिलचस्प डिस्कशन करेंगे कि uh, हम तो हमारे सामने तो बहुत सारे मनाजिर आते हैं कैमरे के ऊपर जो आते हैं बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं बिहाइंड द कैमरा क्या होता है ड्रेसिंग रूम का रूम का माहौल क्या होता है और बहुत सारी जो डिफरेंट स्टोरीज हम uh, सुनते हैं क्रिकेटर्स के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में uh, वो उनसे डिस्कस करेंगे जनाब इब्राहिम भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत शुक्रिया और फाइनली वही है ऐसा ही है आप माशाल्लाह देखते रहते हैं स्नेप्स आपकी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बस थोड़ा सा बताइए कि अपने बारे में कि आजकल डेजिग्नेशन एग्जैक्ट क्या है पीसीबी के अंदर फजान uh, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन मैं पाकिस्तान टीम का मीडिया मैनेजर हूँ इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कम्युनिकेशन मैनेजर हूँ और मैंने स्टार्ट किया था एज एन एडिटर उर्दू कंटेंट अच्छा। और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम है पीसीबी के मीडिया के अंदर रहते हुए जो हम डील करते हैं डोमेस्टिक हो हमारा अपना सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पॉडकास्ट प्रेस रिलीज़ फीचर्स तो बहुत से काम मिला के जो है वो फिर एक जिम्मेदारी बन जाती है लेकिन मेजर जो रोल है वो जब आपने स्टार्ट किया था उर्दू कंटेंट तो उससे पहले उर्दू कंटेंट था ही नहीं हाँ नहीं जब आ, हमारे डायरेक्टर हैं मीडिया के समी भरनी जब से उन्होंने पीसीबी को ज्वाइन किया 2019 में जी जी तो उन्होंने फिर पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि बाईलिंग हमें आना है चाहे वो फैंस के लिए चाहे वो मीडिया के लिए उससे पहले पी सी अपनी जितनी भी कन्वर्सेशन करता था फैंस या मीडिया के लिए वो इंग्लिश में करता था अच्छा तो उनका ये आइडिया था जिसके बाद फिर मैं मुझे उन्होंने हायर किया उर्दू कंटेंट क्योंकि मेरा एक एक बैकग्राउंड था उर्दू जर्नलिज्म के साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के साथ वहां से फिर मैं वही जाना चाहता था इससे पहले आप ट्रेडिशनल मीडिया जो थे उसमें आप 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 डिफरेंट मीडिया में रहे बतौर बेसिकली आपने के के आपने कम्युनिकेशन थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताया कि मैथ कम्युनिकेशन कहाँ से किया और फिर एग्जैक्ट जर्नी क्या रही आपकी मेरी जर्नी भी पाकिस्तान के हर उस तालब इलम की तरह रही है जो कभी कभी माँ बाप ने बड़े कहीं खींच दिया कभी वो खुद कहीं चला गया लेकिन मीडिया में तो आप मेरे ख्याल अपनी मर्जी से आए थे एग्जैक्टली वो टाइम था जब मैंने कहा नहीं अब अब मुझे मर्जी करनी है सही है तो बेसिकली प्री इंजीनियरिंग मैंने की थी माँ बाप की ख्वाहिश के <laughs> मुताबिक पर उसमें इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे मैथ में तो so, so, फिर मैंने अल्टीमेटली मैथ्स कम्युनिकेशन में आए दो में मैंने दाखिला लिया था पंजाब यूनिवर्सिटी में नंबर वन यूनिवर्सिटी मैथ्स कम्युनिकेशन के अतबार से खासतौर पर उस वक्त और मेरा uh, ऑनर्स uh, था वहाँ पे तेरह साल का लेकिन फ़ॉर्चुनेट इनफ कि मैं 2010 में ही मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी मैं डेली इंसाफ पेपर में गया फिर वहाँ से मैं डॉन टीवी में चला गया फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते कैपिटल टी वी नियो टी वी हम टी वी और डॉल टी वी इन सब टी वीज में बताओ स्पोर्ट्स रिपोर्टर या डिफरेंट बीट्स करते थे नहीं स्टार्ट से ही मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर था स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी टू बी ऑनर्स कंपटीशन भी कम था तो जल्दी जगह मिल जानी थी तो ये था कि थोड़ा सा रोज़गार भी लग जाएगा और थोड़ा सा अपना आप जो है वो शौक़ और लगन जो होता है वो भी है तो जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई और फिर उसी में फिर आगे चलते गए तो हम हाँ आपको देखते रहे अपने स्क्रीन के ऊपर उसके बाद कहाँ गए थे एकदम कुछ गायब भी हुए थे हाँ, में कुछ त... हाँ, या... बिल, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल गया था जर्मनी मास्टर्स मीडिया एंड करने मीडियाली वहाँ से फिर पढ़ के जब मैं वापस आया तो फिर मैं न्यू टी को ज्वाइन किया फिर दोबारा आप टी और ये हम हम न्यूज़ टी नया नया था तो फिर ये है कि उसके उसी तो मास्टर्स करके आने के बाद भी वही पुरानी वाली डिजिंगनेशन और यह भी कोई फ़र्क पड़ा था आने के बाद या मीडिया के हालात तब सेम सेम ही थे, थे जब मैं जब मैंने अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए तो इसी ख्वाहिश के साथ किया था कि जब वापस आऊँगा तो बड़ा ज़बरदस्त <laughs> रोल हो हो में बैठा होगा और ये होगा तब होगा लेकिन जब वापस आया तो रियलिटी चेक मिला के जी नहीं खैर इस पर हम लाजमी किसी और वक्त डिस्कशन करना चाहेंगे कि हमारे मीडिया स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं और रियलिटी क्या होती है पढ़ाया क्या जाता है और आगे क्या आता है तो बारा लेकिन अभी फॉर्चुनेटली आप पी सी बी को मैसर आए और आपको पी सी बी की अपॉर्चुनिटी मैसर आई है हाँ। आ, तो पी सी बी कब ज्वाइन किया आपने पी सी बी मैंने दो हजार उन्नीस वर्ल्ड कप इंग्लैंड वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके फौरी बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था PCB. आ, जो आपने ज्वाइन नहीं किया था तो उससे पहले आप किसी मीडिया के से वापस थे हाँ जी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रही है जॉब आप आई आपके सामने कोई देखा या किस तरीके से ये आप न्यूज में मैं था और ये अपॉर्चुनिटी निकली थी तब मैंने अप्लाई किया और मैं वहाँ पे हायर हो गया ऑब्वियसली इट वॉज कभी सोचा नहीं था Uh, क्योंकि आप जब जर्नलिज्म कर रहे होते हैं और फिर जब आप एकदम टेबल के उस तरफ आ जाते हैं जर्नलिज्म में आप फ्री uh, हैं जो मर्जी बोलें जो मर्जी करें हाँ ऑब्वियसली लॉजिक के साथ लेकिन जब आप इस तरफ आते हैं तो फिर आपको डिफेंड करना पड़ता है एग्जैक्टली प्रोटेक्ट exactly, करना पड़ता है फिर इन्फ्लुएंस करना पड़ता है ये बहुत मुश्किल रोल था ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल थी लेकिन यह है कि चूँकि शौक़ था लगन था क्रिकेट के साथ एक मोहब्बत थी बिल्कुल तो उसमें किसी हद तक आसानी जरूरी शुरू शुरू में मुझे याद है कि तकरीबन आठ घंटे की वैसे तो हमारी जॉब है लेकिन शुरू शुरू में मीडिया डिपार्टमेंट की वजह से क्योंकि ये चौबीस घंटे चलता है तो मुझे याद है कि मैंने बारह बारह चौदह चौदह घंटे पंद्रह पंद्रह घंटे भी दफ्तर में टाइम दे के कोशिश ये की कि उस पेस पर आऊँ उस पेस पर आऊँ क्या मैं एडिटर उर्दू कॉन्टेंट ज्वाइन किया था और तब क्योंकि हमारा इनिशियल प्लान यही था कि जी हमने अपनी वेबसाइट को इतना पॉपुलेट कर देना है कि जो वहाँ पे फीचर्स हों प्रेस रिलीज ये सब कुछ प्रॉपर एक उर्दू आप क्लिक करें उर्दू और सारा कुछ उर्दू में हो जाए उसबार से काफी उस उसके ऊपर काम किया था जो मुझे थोड़ा सा उसमें से मीडिया मैनेजमेंट में कैसे निकल गया उसमें यह था कि साथ साथ आप डिजिटल मीडिया में पीसीबी में बहुत स्कोप था बहुत ज्यादा स्कोप था नहीं मीडिया हाउसेज के अंदर बात है दो हजार तेरह की हाँ जी हाँ जी

ग्राउंड स्टाफ के ऊपर पीसीबी फीचर आया पाकिस्तान के के exactly, 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 तो उस तरह शुरू किया और फिर थोड़ा सा स्पार्क जब ऑर्गेनाइजेशन ने भी देखा यार, इस, इस स्पार्क है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सपोजर था मुझे पता था क्या और किस तरह करना है तो फिर आहिस्ता मैं जो एज ग्रुप क्रिकेट होती है जिसको आप अंडर सिक्सटीन अंडर नाइनटीन कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स कहते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मैंने फीचर फीचर्स करना शुरू किया तो फिर अल्टीमेटली एक एक पोजीशन हमारे लिए आई ए, मीडिया मैनेजर पाकिस्तान टीम की न्यूजीलैंड टूर पे अच्छा हाँ तो वो पहली दफ़ा था जब मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया और वो बड़ा इंटरनेशनल uh, टूर पे न्यूजीलैंड गए थे हाँ जी बहुत अच्छा, 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 ये बहुत तो दिलचस्प टूर था पाकिस्तान याद ये कौन सा टूर्नामेंट था कोई इसका मशहूर वाक्य ये uh, अभी मैं याद करता हूँ आपको सब याद आता तो इतना <laughs> मशहूर टूर था <laughs> अच्छा, वो टूर था जब पाकिस्तान टीम के तकरीबन सात प्लेयर

शुक्र अलहमदिल्ला के हम हमारे ऊपर इस तरह कोविड इफेक्ट नहीं किया तो हम एक डिफरेंट इन्वायरमेंट से उधर जा रहे थे हुआ ये कि जी हम नॉर्मल फ़्लाइट लेकर हम न्यूजीलैंड पहुंच गए और तब नॉर्मल फ़्लाइट्स चल रही थी लेकिन क्रिकेट में तब कॉन्सेप्ट कम था आ, बिल्कुल चार्टर्ड फ़्लाइट का नॉर्मल फ़्लाइट लेकर हम वहाँ पे पहुंच गए और जाते ही जो जा है वो हमारे एयरपोर्ट पर जब टेस्ट हुए तो उन्होंने जी दिया आपके तीन लड़के कि जो मेरे साथ फ्लाइट पे पाकिस्तान से दुबई मेरे साथ जो फ्लाइट पे बैठे हुए थे राइट साइड पे उनका कोविड पॉजिटिव था अली का अच्छा, और जो दुबई से मेरे साथ न्यूजीलैंड की फ्लाइट पे बैठे हुए थे लेफ्ट साइड पे अगली फ्लाइट पे मोहम्मद अब्बास उनका भी पॉजिटिव था मुझे यही डर लगता था कि आज आया और कल आया लेकिन उसका जो है वो मैं कभी भी शिकार नहीं हुआ सही, सही, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल टाइम था वो इनिशियल प्लान उनका ये था उन्होंने हमें बंद करने के लिए बुलाया नहीं था उनका इनिशियल प्लान ये था कि तीन दिन हम हम बिल्कुल रूम आइसोलेशन रहेंगे और जब हम ऑब्वियसली जब हम लोग क्लियर कर जाएंगे तो हम साथ साथ ट्रेनिंग करते रहेंगे ग्राउंड में जाते रहेंगे पहले चार 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 के ग्रुप्स बनेंगे फिर आठ आठ के ग्रुप बनेंगे फिर प्रॉपर टीम आ जाएगी लेकिन ये कि वो चूंकि वो कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हमें तकरीबन तेरह दिन चौदह दिन पूरे अपने अपने कमरों में रहना पड़ा हम बाहर नहीं निकल सकते थे और उधर न्यूजीलैंड रोज़ अपडेट करता है कि उनके यहाँ कितने कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनके यहाँ आम तौर के ऊपर पूरे दिन में कोई तीन केसेस आते थे क्योंकि दुनिया से अलग था छोटा मुल्क है लोग कम ट्रैवल कर रहे थे कोविड के तो पूरे दिन में तीन केसेस आते थे या फिर दो दिन का गैप पड़ के फिर दो केसेस आ गए हमारे पूरे का पूरा जो कॉन्टेजेंट था उसने पांच दिन में सात कोविड पॉजिटिव तो इस तरह से एकदम पूरी पूरी, पूरी गवर्नमेंट भी हिल गई वाम भी हिल गई एग्जैक्टली तो इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर था और हम लोग क्रिकेट खेलने गए हुए थे और लोकल मीडिया को किस तरीके से परसीव कर रहा था पे प्रॉपर फ्लैश न्यूज न्यूज थी थी ब्रेकिंग लोकल मीडिया में क्या पूरा मतलब बहुत बहुत ब्रेकिंग न्यूज भी थी वहाँ पे लेकिन ये कि न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो एज आ सोसाइटी उनके अंदर बहुत एहतराम है दूसरों का एग्जैक्टली exactly वो बहुत अच्छे हैं ख्याल रखते हैं लेकिन ये कि ओबियस मीडिया के लिए एक ज़रूर था और हमें याद है कि हम पर्दे पीछे करते थे तो ठा ठाठा तस्वीरें आ, और बन, भी ऐसा था बन रही था था। होती थी हाँ लेकिन ये कि जब हम बाहर निकले वहाँ से तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने प्रॉपर एक हमारे साथ तीन चार अपने बंदे भेजे जो हम जिन्होंने हमें रिसीव किया फिर वो अगले आठ दस दिन उन्होंने हमें

अच्छा अच्छा अब दूसरे दिन गए तो बाबर आजम अनफिट हो गए कप्तान भी गया बाबर आजम का अनफिट होना तो अब पहले हम हिले हुए हैं कोविड की वजह से प्रैक्टिस नहीं है उसके बाद जाते ही आपके दो मेन प्लेयर्स ओ, वो अनफिट हो जाते हैं न्यूजीलैंड के अंदर हम पहले हम न्यूजीलैंड में हमारा एक रिकॉर्ड था इससे पहले हम वहाँ पे कोई सीरीज हार नहीं रहे थे टी ट्वेंटी भी रहे थे टेस्ट भी रहे थे लेकिन हमने ये वाली जाके हार गए हम न्यूजीलैंड में एक टी ट्वेंटी जीते थे दो हार गए थे टेस्ट हम दोनों बहुत बुरे तरीके से हार गए थे और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो हमारा इफेक्ट हुआ था प्लेयर हाँ तो बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह की सिचुएशन हो टीम हार रही हो एक ओबियसली पीछे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है और जब आप मीडिया मैनेजर होते हैं तो मीडिया का भी प्रेशर डिजिटल मैनेजर होते हैं तो डिजिटली भी आपको जो प्रेशर हैंडल करना पड़ता तो मुश्किल था लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो जिनकी वजह से अगर बुरी परफार्मेस अगर हारते भी होंगे तो वो शायद ट्विटर यूज़ ना करते हो शायद देखते ही ना हो लेकिन आपको बतौर ज़िम्मेदार ट्विटर के ऊपर जवाब भी देना है उसको देखना भी है फेस भी करना है तो मैं मेरे पूछना मसाला कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है ज़रा क्रिकेट फैंस बहुत मोहब्बत भी देते हैं बड़ा प्यार भी देते हैं लेकिन जब कोई ऐसा मुश्किल मौका आता है तो किस तरह डिफीट को किस तरीके से डील करते हैं ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ यार बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है कि मेचोरिटी आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है और अब फैंस जो हैं जो पहले क्योंकि तो सोशल मीडिया में भी ट्विटर जो है वो इस मामले में जो ट्रेंड्स हैं और क्या चल रहा है वो ट्विटर ही जो है वो अपना टॉक्सिसिटी में ट्विटर सबसे आगे था एग्जैक्टली exactly. और वही स्टैंडर्ड सेट कर रहा होता है कि क्या चल रहा है लेकिन अब ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि फैंस आके सपोर्ट कर रहे हैं फैंस आके बोल रहे हैं खड़े हो रहे हैं प्लेयर के लिए इसी तरह वर्ल्ड कप में जब सेमीफाइनल हारे टीम गिरी हुई थी क्योंकि टीम ने बहुत एक्सपेक्टेशन uh, बहुत थी टीम का खुद कॉन्फिडेंस बहुत था सेमीफाइनल हारने पर टीम गिरी थी लेकिन जो मैंने जो मैंने फिर रिएक्शन देखा एयरपोर्ट पे वो चाहे दुबई एयरपोर्ट और फिर बांग्लादेश पहुंच के दैट वाज एक्सीलेंट तो ये कि एक चेंज आ रहा है तो ये तो एक बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव बात है बल्कि फैंस के लिए भी कि आपकी जो पॉजिटिव सपोर्ट और इमोशन है वो पीसी प्लेयर्स तक पहुंच रहे हैं बिल्कुल प्लेयर्स बहुत ज्यादा इसको देखते हैं प्लेयर्स देख रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली मैं देख रहा जब मैं न्यूजीलैंड के साथ टीम में था या उसके बाद मैंने अगला टूर इंग्लैंड गया तो और वो भी हम इतना अच्छा नहीं खेले वहाँ पे तो हम वहाँ पे भी हार रहे थे और तभी शुब अख्तर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जी इस टीम को देखने कौन आएगा ग्राउंड में लेकिन आप देखेंगे उसके बाद उस वक़्त तक प्लेयर पढ़ते थे ट्विटर कोई नहीं देखता था कोई सोशल मीडिया नहीं देखता था कोई पढ़ता था लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो हार जीत का एक एक मेंटली उनके ऊपर डिस्टर्ब तो वो ज़रूर होते हैं लेकिन जब पढ़ते हैं और फिर हौसला मिलता है प्लेयर्स की तरफ से और फिर सोशल पी ने भी जो अपनी स्ट्रैटी ये लगाई भी कि जब टीम हारती है तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए मैदान में, में आते हैं हम बताते हैं कि नहीं इस प्लेयर की ये परफॉर्मेंस है इस प्लेयर ने यहाँ यहाँ पर ये ये कुछ किया हुआ है ताकि उसको भी बूस्ट मिले बिल्कुल आ, बिल्कुल टीम को, को भी बूस्ट मुझे याद आ रहा है कि जब रिसेंट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत सारे ट्वीट्स और कंटेंट यही लोग कह रहे थे कि लड़के हारे हैं हमने देखा है इनके मतलब फिटनेस कि लड़के हारे हैं तो बिल्कुल हम इस टीम को बैक करेंगे तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक एक बेहेवियल चेंज आ रही है मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव वो चीज़ है तो खैर अब जिक्र आगे मैं इसको अलग से पूछना चाहता था ए, लेकिन पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया से रहा है वहाँ पे तो क्या मतलब बहुत उसमें तो लगता था कि वर्ल्ड कप लेकर ही आएँगे वहाँ से जिस जिस जो परफॉर्मेंस टीम की जा रही थी इंडिया को बिल्कुल दस विकटों से हराया बहुत सारी बाकी फतूहत हुई इस तरह की तो क्या रिएक्शन था और क्या माहौल था ड्रेसिंग रूम का उस मौके पर नहीं सब डिस्टर्ब था इवन अभी भी जब भी मैं एज अ स्पोर्ट्स स्टाफ वहाँ पर था जब उसका जिक्र करता हूँ या सोचता हूँ तो अभी भी जो है ना इमोशनल अटैचमेंट ये है कि हिल जाता है बंदा क्योंकि उसके बाद जो एक उड़ान थी ना वो यही थी कि नहीं अब कोई नहीं कोई नहीं बच सकता और ख़ास ख़ासतौर तो पर जब आगे टीम जो दुबई है या यूएई जो वेन्यू है वो हमेशा सपोर्ट करता है एशियन कंडीशंस को फिर हम जैसे जो टीमें हैं जिनके स्पिनर्स तगड़े थे शादाब वगैरह थे वहाँ पर हमें ये था कि नहीं ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये तो किसी किसी खाते में नहीं आती लेकिन ये है कि जब वो मैच हमारे हाथ से निकला और प्लेयर्स ने एफर्ट की बहुत मेहनत की बहुत लेकिन कुछ वहाँ पे आप देख लें हफीज़ का जो पहला ओवर था उसके बाद थोड़ा सा गेम चेंज हुआ लेकिन फिर पाकिस्तान वापस आया शादाब ने जिस तरह बॉलिंग की ज़बरदस्त उससे पहले बैटिंग में आप देख लें रिजवान हॉस्पिटल जाके फिर क्रिकेट खेलने आया वो भी एक दिलचस्प वाक्य है तो ये है कि वो बड़ा दिलचस्प मैच था और मैं आपको ये बताता हूँ कि शुएब मलिक पाकिस्तान के उस सबसे सीनियर प्लेयर थे उस टीम के अंदर वो मैंने उनको हमेशा देखा है कि वो और आपको याद होगा हसन अली ने कैच छोड़ा था वो गए देने अच्छा देने गए तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो एक सीनियर प्लेयर है और प्लेयर को बहुत समझाता बताता है ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इब्राहिम भाई ये जरा लाइटें शाइटें बंद हो जाना तो दिल कर रहा है आज रोने का तो वो और वो उनका ये कहना था कि यार ये ये वाला मैच या ये ये, ये जो ट्रॉफी थी ये हमारी ये थी। ये हारना बनता नहीं था तो अगर शुएम मलिक जैसा प्लेयर और आ, इतना कैलेपर इतना एक्सपीरियंस जो इन सबको समझा आ, रहे हैं तो तो जब ये मैच हारे तो वो बस तो हसन अली का उसके बाद क्या <laughs> मोमेंटम रिएक्शन था वो तो बेचारा बहुत डिस्टर्ब हो गए होंगे वो तो कैच छोड़ के भी और मैच हार के भी हसन बहुत डिस्टर्ब था हसन ने शायद ये स्टेटमेंट दी भी है कि वो फिर अगले जो डेढ़ दिन थे हम क्योंकि हमारी दो दिन बाद शायद फ्लाइट थी हम दो दिन होटल में थे दुबई में ही थे हसन वो डेढ़ दिन कमरे से नहीं निकला था अपने वो खाना खाने भी बाहर नहीं आता था उसके इर्द जगर्द हम लोग ही थे ओबियसली पाकिस्तान टीम थी वो इतना डिस्टर्ब था हालांकि उसको बैक करते थे सकलान मुश्ताक का बहुत अहम रोल था हेड कोच का उसको मैसेज जाते थे पहुंचाते थे लेकिन हसन वजन इन दैट कंडीशन के वो बाहर आ सके बहुत डिस्टर्ब था वो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पे जब बांग्लादेश की फ्लाइट हम पकड़ने गए वो पहला पहला वक्त था जब हसन बाहर आया था प्रॉपरली वो बाहर आया तो मुझे याद है अभी भी उस बस में जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो शादाब साथ बैठा हुआ था प्रॉब्ली आसिफ अली साथ बैठे हुए थे तो वो लोग थोड़ा बहुत उससे मज़ाक कर रहे थे हंसी मजाक नवाज़ था कि ये थोड़ा सा उठे करने के लिए हाँ और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो जिस तरह फैंस आए हसन अली के साथ तस्वीरें बनाने हसन अली के ऑटोग्राफ लेने रिजवान वगैरह ये सब

हमने हम मैंने उनको उस बस में ही देखा था उसके बाद फिर तो बांग्लादेश चले गए बांग्लादेश में फैमिलीज थी नहीं तो वो फिर हमारे साथ थे लेकिन बांग्लादेश में वो उस एयरपोर्ट के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए थे लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली वो बहुत डिस्टर्ब थे सही हो गए अभी अब इवेंट टू इवेंट हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बताइएगा अभी इस टाइम जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है पी के अंदर आपने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होते हैं बेसिकली इस टाइम के अंदर जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं मीडिया कॉम्स मैनेजर हूँ तो तकरीबन पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड की जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है चाहे वो चेयरमैन से लेके आप नीचे डायरेक्टर क्रिकेट या तो वो उनसे रिलेटेड जितने भी जिम्मेदारियां हैं जो टास्क दी जाती हैं और इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है हमारे डायरेक्टर हैं मीडिया फिर हमारे जनरल मैनेजर है। मीडिया हैं फिर हमारे सीनियर मैनेजर हैं फिर मैनेजर्स आते हैं तो वो ये कि सब मीडिया और डिजिटल मीडिया इकट्ठा ही डील होता है अलग अलग डिपार्टमेंट से मीडिया और डिजिटल मीडिया इकट्ठा ही डील होता है पीसीबी के अंदर डिजिटल मीडिया कम्स अंडर एक्चुअली मीडिया सही हमारे डिपार्टमेंट का नाम है मीडिया एंड मीडिया कॉम्स एंड डिजिटल एम एस सी तो सो बेसिकली हम ये सारा हम लोग ही डील कर रहे हैं so, तो तकरीबन पी सी बी के अंदर ये है कि तकरीबन सारे काम जिम्मेदारी आ जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर डोमेस्टिक की की लेकिन मेजर जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ फिलहाल साल डेढ़ से जिम्मेदारी है और ये प्लेयर्स के अकाउंट्स और जो ऑफिशियल मोस्टली वो भी वो... उनकी भी आप उनको भी डील करते हैं नहीं हम डील नहीं करते हैं हम हेल्प करते हैं उनको ब्लू या जिसको आप हैं, करवाने में, exactly, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तो हमारा फेसबुक से भी है हमारा ट्विटर के साथ भी है इंस्टा तो फिर ज्यादातर प्लेयर्स का यही होते हैं और एज अ पेरेंट ऑर्गेन कोशिश करते हैं जितना फैसिलिटेट कर सकें प्लेयर्स को वो कर देते हैं इसके अलावा हम मैनेज नहीं करते हैं लेकिन ये है कि हम अब ऑब्वियसली अगर हम टूअर्स के ऊपर हैं उनको आ, कोई आ, ट्वीट करना है या हम कभी कह दें कि इस तरह कर लो किसी प्लेयर को सपोर्ट वगैरह करने के लिए दूसरे को बकअप करने शे, के शे. लिए तो उसमें हम उनकी हेल्प जरूर कर लेते हैं नॉर्मली जो प्लेयर्स मैच के बाद अपनी जबरदस्त लगा रहे होते हैं और आपको टैग कर रहे होते हैं उसकी क्या सीन है भाई वो उनकी तस्वीरें मैं बना रहा होता हूँ इसलिए वो टैग करते हैं लेकिन ये है कि वो हाँ उनके लेकिन वैसे उनके अपने साथ उनको उनके एजेंट होते हैं जो ये मैनेज कर रहे होते हैं हाँ तो वो उनके साथ डील करते

क्या किया जाए जो फैंस आपके साथ कनेक्ट हो जब फैन कनेक्ट होगा तो फिर कोई चीज़ नहीं रोक सकती आपको हार जीत खेल का हिस्सा है लेकिन जो एक एक क्रिटिसिज्म बड़ा क्रिटिसिज्म है ना उससे आपको हटना तो फैन से कनेक्ट करने के लिए फिर मैंने कुछ सोचा कि अच्छा फ़ैन क्या देखना और सुनना चाहता है वो उस प्लेयर से रिलेटेड जब टूर के ऊपर है कुछ भी सुनना चाहेगा और अगर उस प्लेयर की परफॉर्मेंस है तो फिर उसके रिल इर्द गिर्द घूमना चाहेगा तो हम परफॉर्मेंस और इस सब पे तो हम फोकस कर रहे थे पहले पीसीबी लेकिन ये कि जब मैंने जो अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश किया वो यही है कि मैंने डिजिटल के अंदर उनका फैंस को बिहाइंड द सीन कंटेंट दिया जैसे तो कि प्लेयर यहां तक दिखाया गया जब प्लेयर सिलेक्ट होता है तो उसको चीफ सिलेक्टर फोन कर रहा होता है और ये ये नॉर्मल प्रोसेस है कि चीफ सिलेक्टर फोन करता है प्लेयर को कि यार लेकिन सामने नहीं आता था पहले एग्जैक्टली exactly, हाँ हाँ। ये सामने नहीं आता था लेकिन मैंने वो जब आया तो मैंने कोशिश की कि ये दिखाऊंगे कन्वर्सेशन क्या है कि यार हम आपको बुला रहे हैं जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है आपको मौका मिल रहा है इस जो ड्रॉप हो रहा है उसको फोन करता था कि यार इस दफा हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं हौसला नहीं आना हमारे प्लान का हिस्सा है फिर आप एक प्लेयर है वो डेब्यू कर रहा है तो वो अपनी माँ को फोन कर रहे हैं अम्मा जी मैं सुबह में डेब्यू करने वाला हूँ या अभी दो घंटे में मैं डेब्यू करने वाला हूँ तो वो जो है वो लेकर आया मैं तो वो एक कनेक्शन था फिर एग्जैक्टली फिर ये देखा ये भी किया कि जी अच्छा डेब्यू वाले दिन उसकी अपनी क्या एक्टिविटीज हैं वो सुबह उठता है नाश्ता ये कोई डेब्यू कर... की को, को स्टोरी शेयर करें ना आपने किसी का फीचर किया हो कि वो डेब्यू हो रहा कर मैंने शाहनवाज धानी ने अपनी फैमिली में फोन अच्छा, किया तो वो मैंने वो आपके सामने सारा कुछ बताया वो मेरे सामने हुआ सऊ शकील ने अपनी वालदा को फोन किया अच्छा उसके बाद धानी अच्छा का थोड़ा सा बताएं अभी पी में हम देख रहे थे कि पूरा स्टेडियम जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से तो उनकी कैसी जर्नी रही ये सारी आने की और खेलने की धानी क्राउड पुलर है बिल्कुल धानी एक एनर्जेटिक फील्ड uh, uh, के अंदर भी और ऑफ द फील्ड भी वर्ल्ड uh, कप में ये पाकिस्तान स्कॉड में नहीं थे ये ट्रैवल रिजर्व में थे लेकिन उसका वर्ल्ड कप में अच्छा, बाबर रिजवान, शाहन के बाद जो है वो जिक्र धानी नहीं का था क्योंकि अच्छा, नहीं, 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 सोलह का सोलह में भी नहीं थे, वो में थे कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोविड हो जाता है इंजर्ड हो जाता है तो फिर ये लोग वहाँ पे चले जाएंगे क्योंकि बहुत से फैंस भी नहीं फैंस कई दफा ऐसी चीजें करते हैं जिसके हम मजबूरी में कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन ये लेकिन ये कि धानी उस टाइम पे ज्यादातर खबरों में इसलिए रहे कि कभी वो इंडियन प्लेयर धोनी के से बात आ, कर रहे हैं स... खेल रहे हैं, हैं। वायरल होने की सालगिरह थी तो वो उनको बांट रहे हैं तो वो धानी इस वजह से काफी लेकिन धानी इज अ क्राउड पुलर धानी इज वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर बहुत मेहनत करता है और सबसे जो जबरदस्त बात है जो अभी किसी को पता नहीं है वो धानी जो है वो उसकी जो स्ट्रेचिंग है वो एक एथलीट एक जिमनास्टिक अच्छा, से भी ज़्यादा है तो वो और अगर वो दौड़ने पे जब आता है अभी पिछले दिनों आ, कोई बोल्ट उनके साथ सिंध के कोई बोल्ट हैं हमारे एथलीट हैं जो उनके साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं जब धानी भागने पे आता है तो धानी फिर किसी को नहीं आगे भागने अच्छा दे तो थोड़ा सा मैं स्विच स्वच्छा कन्वर्सेशन को हमें ड्रेसिंग तो रूम का थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में बताएं बड़े क्यूरियस रहते हैं ऑडियंस भी और फैंस भी एक ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है सारे बड़े कैजुअल होते, है होते, है है है। है। तो होते हैं या फॉर्मल होते हैं या अभी टीम में बहुत सारे नए प्लेयर्स भी आ गए हैं तो दोस्तियाँ सबकी चल रही होती हैं हंसी मजाक चल रहा होता है या सिचुएशन में वेरी करता है थोड़ा तो इन्वायरमेंट के बारे में बता है आ, मैं उस पर आने से पहले मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि अभी बात हुई है अर्ली एजुकेशन की और फिर किस तरह आए मैंने हमेशा जो है वो दुआ की है नमाज के बाद यही और ओबियसली ये थोड़ा सा मेरा इंडिविजुअल है लेकिन दी मैं दी। बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा दुआ की है कि अल्लाह ताला मेरे से कोई इत, इस वतन के लिए मैं कुछ कर सकूँ और इस्लाम के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो ये मेरी दुआ हमेशा रहती है और जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पी की तो मेरा यही था कि यार एक एक मुल्की लेवल के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसमें जितना भी आप अपना डाल सको ना और चेंज कर सको कुछ भी तो वो मेरी तरफ से और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह कर सकूँ तो इस इस लॉजिक के साथ कि यार पाकिस्तान टीम का मतलब है पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ और ये स्टार जो है ये वही कि आप पाकिस्तान के लिए स्टेट के के exactly. तो बस ये कोशिश आते हैं आपके 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 इंटेंशन बिल्कुल जवाब की सवाल की तरफ आते हैं ड्रेसिंग रूम का माहौल मैंने पहले तो किसी ड्रेसिंग रूम में काम नहीं किया लेकिन जब मैं इस ड्रेसिंग रूम में आया हूँ और जब मैंने सुना है लोगों से कि ये जो लड़के हैं जितने ये यूनाइट हैं ये अरसे बाद ही पाकिस्तान तो को कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम मिला है कि एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और मैंने ख़ुद ये फील किया है कि रिजवान को सरफराज को लोग मिक्स करने की और उनके उनके आपस में एक वो क्लैश तो, बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजवान ने हमेशा डिफेंड किया बाहर जा के जो है सरफराज से मैंने ये सीखा सरफराज मेरे हिमां और इसी तरह सरफराज अहमद ने भी जब टीम के अंदर होते हैं वो खेल नहीं रहे होते आप सोचें कि एक कैप्टन है जिसने पाकिस्तान को अंडर वर्ल्ड कप जीता है।, 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 है, है और वो विकेट कीपर है और विकेट कीपर भी बैकअप के तौर बैठा हुआ है लेकिन सरफराज ने कोई एक शिकन नहीं आने दिया और हमेशा सरफराज और ये शुए मलिक ये वो लोग हैं जो लड़कों को इकट्ठा रखते हैं तो सरफराज का भी सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जब भी मैच चल रहा होता है तब खास पे एक तो ये कि सबसे पहले कहते हैं कि मैं जाऊंगा अंदर लोग बातें करते हैं कि वो शूज़ वाली एक बात बड़ी उठी थी कि सरफराज को क्यों जूते और पानी ले के सरफराज ख़ुद कहते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बारी लगी होती है जो चार प्लेयर स्क्वाड में होते हैं एलेवन में नहीं होते पंद्रह के अंदर होते हैं उन सब ने एक एक बारी में जाना होता है तो नॉर्मली ट्रेंड ये होता है कि सीनियर प्लेयर्स रेस्ट करते हैं और जूनियर की बारी ले क्या करने जाना होता है वो पानी वगैरह लेके ड्रिंक्स ब्रेक है कोई मशवरा है किसी को देना कोई ग्लव लेके जाने किसी के शूज लेके जाने हेलमेट है ये सब

आ, अपने आप को वॉल्टियर करते हैं और वो जाते हैं और जो इस टीम का यूनाइटनेस की बात है सरफराज इस टीम के नमाज के अंदर इमाम होते हैं लोग ढूंढते हैं सरफराजों के वह आएंगे अच्छा। और फिर हम नमाज़ शुरू करेंगे तो ये है कि ये एक टीम अगर फील्ड में डिफरेंट रोल्स हैं किसी के तो वो बाहर बैठे हुए लेकिन जब ऑफ द फील्ड है तो वो जो बाहर बैठे हुए उनके रोल बढ़ जाते हैं तो ये इस तरह कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से और ये जो इनका कनेक्शन है ये बहुत ज़बरदस्त है आप देखें हसन अली पर तनखीद हुई बाबर आजम ने जब भी कि उस उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड किया एज अ कैप्टन कभी एक दफा नहीं कहा कि नहीं इसका कसूर है क्योंकि उस वो हमेशा यही बात करते हैं बाबर में बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि जब तक क्योंकि मैं भी प्लेयर रहा हूँ मुझे पता है कि जब तक आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे मुश्किल वक्त में और आपको पता होगा ये आपका मुस्तबिल है तो वो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो इसलिए उस टीम के अंदर ये बहुत ज्यादा है जिस तरह बाबर की जब बाबर कैप्टन बने तो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि जी अभी फौरी तौर पे कप्तान बना दिया अच्छा जी ये टेस्ट के कप्तान नहीं सही हैं ये जी इनकी स्ट्रैटेजी ये है टी ट्वेंटी में लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने जब भी मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया या टीम के अंदर कोई मीटिंग हुई है तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि बाबर इज़ अ लीडर फ्यूचर लीडर और यही बेहतरीन लीडर है तो ये मुख्तुप छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो यूनाइट करती हैं वर्ल्ड कप की मैं आपको एक एग्ज़ैम्पल दे दूँ जी जी मैंने बात की जब फ़खर जमान से मैंने कहा फ़खर भाई वर्ल्ड कप चल रहा था हम दो मैच जीत चुके हैं मैंने फ़खर भाई ये क्या बात है और क्यों लगता है आपको कि जी बाबर आजम की कप्तानी में हम आगे चले जाएंगे वर्ल्ड कप में अच्छा खेल जाएंगे क्या वजह तो उन्होंने ये कहा कि देखो बाबर आजम जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं ना बैटिंग के फील्डिंग के कहते हैं कि नॉर्मली कैप्टन जो होते हैं वो अगर बैटिंग में बैट्समैन है तो वो बैटिंग कर रहा है तो फील्डिंग में कम टाइम दे दिया या वार्म अप सेशन में कम टाइम दे दिया बैटिंग में अपना एक्स्ट्रा लगा दिया

एक जो लगन है वो बढ़ गई है और हसन अली ने एक दफा याद है वर्ल्ड कप पे उनसे भी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि बाबर एज अ लीडर अगर वो कहेगा ना कि बाहर सूरज है तो मैं मान लूंगा बाहर सूरज अगर तो कहेगा बाहर रात है तो मैं मान लूंगा ये उसका एक इम्पैक्ट है एग्जैक्टली तो इस वजह से ये टीम बहुत यूनाइटेड उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल एक्सीलेंट जबरदस्त जबरदस्त अच्छा अभी आपने नमाज वाली बात की कि लोग वेट करते हैं सरफ़राज़ को ढूंढते हैं नमाज के टाइम पे तो ये माशाल्लाह एक दिन ही हम देख रहे हैं रुझान देख रहे हैं बल्कि इससे मुझे एक वाक्य भी याद है कि वो हिडन जो ऑस्ट्रेलियन बड़े ज़बरदस्त लेजेंडरी प्लेयर हैं वो 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 वाक्य बयान करते कि यार रिजवान ने उनको कोई कुरान का गिफ्ट दिया और उनसे इस्लाम पे डिस्कशन हुई और दरमिया में कोई आपका भी जिक्र आया था वो क्या स्टोरी थी जरा शेयर करें हमारी ऑडियंस से मैथ्यू हेडन हमारे साथ वैसे तो और भी कुछ गैर मुल्की कोचेज थे मैथ्यू हेडन का ना शुरू से ये था कि वो देखते हैं पढ़ते हैं और सुनते हैं वो इंडिया में भी थे तो उन्होंने जो हिंदू मज़हब था उसको भी काफ़ी पढ़ा देखा अच्छा, एक्सप्लोर करते हैं एक्सप्लोर करते हैं इसी तरह जब वो पाकिस्तान टीम के साथ आए तो टीम नमाज़ पढ़ती थी जब ट्रैवल पे जाती थी या ग्राउंड में अगर टाइम हो गया मगरिब का तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ी सारे इकट्ठे हो जाते तो मैथ्यूडन कुछ दिन इसको मॉनिटर करते रहे और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूछना शुरू किया नमाज के बारे में और फिर उनका एक जुमला था कि यार तुम लोगों के लिए बड़ा ईजी है कि तुम लोगों को कुछ भी मांगना या फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी निकालना है तो तुम लोग नमाज के ये पाँच मिनट लगाते हो और उसके बाद तुम लोगों को वो चीज तुम्हारे से निकल जाती Meditation है मेडिटेशन पूरी हो exactly. है हाँ। exactly. तो मैथ्यू एडन का वाक्य कुरान का कुछ यूं है कि जी हम ट्रैवल कर रहे थे ट्रेनिंग से हम वापस जा रहे थे होटल कहां से कहां पाकिस्तान में नहीं नहीं हम दुबई में थे अच्छा दुबई में दुबई में आईसीसी एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग थी दोपहर के टाइम हम वो ट्रेनिंग करके मगरिब का टाइम तकरीबन हम वापस जा रहे थे होटल सही तो मैं और मेरे साथ बैठे हुए थे पाकिस्तान टीम के वीडियो एनालिस्ट है तला अच्छा तो हम लोग बात कर रहे थे आ, कुछ नामों पे बात कर रहे थे मरियम या इस तरह कोई बात चल रही थी तो उन्होंने ये मैथ्यू हमारे आगे बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा कि मरियम इज़ द वर्ड विच विच एग्जैक्टली इन इंग्लिश इट्स मारिया तो हमने कहा या फिर हमने हमने उसको बताया कि अच्छा याकूब को हम जो है वो इस तरह कहते हैं यूसफ़ को हम जोजफ़ कहते हैं इस तरह हमारी थोड़ी बहुत बात हुई इंग्लिश इंग्लिश और अरबिक वर्ड्स में जो सेम नामों के ऊपर जो डिफरेंस था तो उसमें थोड़ा सा बात चलती चलती फिर कुरान की बात आई कि कुरान में जो है वो उसको ये वाक़ है हजरत ईसा का कुरान में ये वाक्य इस तरह के हमने बयान किया तो उसमें थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट था और उन्होंने एक जुमला बोला कि यार मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है फिर मैंने मेरे माइंड में पिकर की बात और रिजवान जो था वो मोहम्मद रिजवान वो जी जी। आपको पता है से काफी रखते हैं।, रखते हैं और वो अक्सर नमाज के बाद नमाज तो सैफी भाई पढ़ाते हैं नमाज के बाद छोटा सा एक बयान होता है फजर की नमाज के बाद कभी कभी असर के बाद भी अच्छा। तो वो फिर अपना रिजवान छोटा सा बयान करते हैं तो वो मैंने फिर अपना कॉन्टेक्ट किया अपने एक दोस्त को दुबई के अंदर कि यार एक कुरान चाहिए जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो अच्छा तो वो खैर हमें सामान लेना लेवाना आसान था हमने मंगवा लिया कुरान मेरे पास आ गया उस दिन हमने ट्रेनिंग पे जाना था तो मैंने फिर सोचा कि हमने सो मैंने दूँ तो उसका इम्पेक्ट और है लेकिन रिजवान या कोई क्रिकेटर दे तो उसका एक इम्पेक्ट और फिर रिजवान के साथ हेडन का कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त था अच्छा। क्योंकि वो हार्ड ईटर था मेन प्लेयर था और हेडन जो है वो हार्ड एटिंग और ओपनर वो भी ओपनर थे वो भी ओपनर hmm. है तो मैंने फिर रिजवान को बुलाया रिजवान को बताई बात उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है और उन्होंने फिर हेडन को वो कुरान गिफ्ट किया इंग्लिश में थोड़ा सा बताया hmm. और कहा कि खुद पढ़ें बाकी hmm, तो वो ये टोटल बात और बड़ा अच्छा उसने इसका इम्पैक्ट लिया और क्रेजों को बताया भी अपने इंटरव्यूज़ में उसने कुरान पढ़ा है और रिजवान ने मुझे दिया ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई है अच्छा बाबर आजम की अपने कैप्टनसी की बात की उनके एक अपने पूरी पर्सनैलिटी और और की बात की रिजवान की फ़ैन फॉलोइंग हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर द टाइम बढ़ रही है और लोग उसकी फैन फॉलोइंग में बड़ा इजाफा हो रहा है इसलिए बड़ी वजह उसकी क्रिकेट परफॉर्मेंस ज़्यादा मेरे ख्याल से उसका इखलाक भी है शायद आप एग्री करते हैं इस चीज़ से या परफॉर्मेंस की वजह से यह जो भी है नहीं 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 इखलाक बहुत अच्छा है उनका रिजवान के मैंने हेटर्स मुझे नहीं मिलते शुरू में बहुत हेटर थे, थे उसके उनका कोई हेटर नहीं है बहुत उससे लोग जो है क्रिटिसाइज करते थे लेकिन अब आप चले जाएं बाहर आपको रिजवान का हेटर कोई नहीं क्रिटिसाइज नहीं तब तक तक करते जब तक उन्होंने उसको देखा नहीं था खेलते हुए और बोलते हुए एक्जैक्टली exactly. तो माशा उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस तो उनकी लाजवाब ही है बिल्कुल लेकिन ये कि उनका ऑफ द फील्ड जो दूसरों के साथ बिहेवियर है जिस तरह वो एक ख्याल करते हैं अखलाक है और सबसे बड़ी बात ये ख्याल करते हैं वो देख रहे होते हैं वैसे तो सभी फिर रहे हैं और चल रहे हैं लेकिन वो बंदा देख रहा होता है कि यार किसको इस वक्त जो है वो कांधे की जरूरत है किससे क्या बात करनी है तो उसको फिर वो एक्स्ट्रा टाइम उसका ख्याल रखता है और उस, उसके लेवल पे जाके उससे बात लीडरशिप स्किल्स है, वो पूरे पूरे हैं नहीं है। आपकी टीम में तकरीबन सारे ही लीडर है ये सबसे अच्छी बात है तो रिजवान जो है माशा देखा बिहेवियर फैंस के साथ भी सेल्फी लेने के लिए भी बहुत फ्रेंडली और बहुत केयरिंग उनका एक ये वो सारा नहीं उसका अगर आप वो वाक्य देखें ना उसकी अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ रिजवान का जिस तरह वो हॉस्पिटल में गया मैं इसको और एलेबरेट कर देता हूँ आज यहाँ पे हॉस्पिटल में जब वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उस दौरान नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था जब वो एक रात पहले हॉस्पिटल में थे। हा, हा, हा। उसी वर्ल्ड कप में बिल्कुल बिल्कुल तो मैं उसको थोड़ा सा कर देता पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच था अच्छा शारजा के अंदर और वो हमारा आखिरी ग्रुप मैच था एग्जैक्टली exactly हुआ क्या एग्जैक्टली exactly ये हुआ कि उस बस के अंदर मुझे रिजवान ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है आ, मुझे थोड़ा सा सर दर्द वगैरह है बुखार है तो मैं और बस पे जा कर रहे थे हम लोग मैच के लिए जा रहे थे स्कॉटलैंड के अच्छा शारजा में तो उसने कहा यार मैंने शायद मैं रेस्ट करूं तो मैं अवेलेबल नहीं तो मैंने थोड़ा सा उसको कहा तो हम हमारी थोड़ी सी बहुत थो गपशप लगती रहती तो मैंने कहा नहीं यार इज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ग्रुप मैच आखिरी है ठीक है स्कॉटलैंड है और जरूरत है।, है टीम को बहुत जरूरत है टीम को और अगर अभी कम्बिनेशन हिलाते तो आगे सेमीफाइनल हम खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ तो वो कम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है और आप तो मेन लीड हो ओपनर हो तो खैर उससे कन्वर्सेशन हुई है उसने कहा कि अच्छा देखते हैं करते हैं कोशिश करता हूँ ये वो तो मैंने थोड़ा बहुत हौसला दिया कि अल्लाह अलग खैर करेगा अगर आप वो मैच देखें तो पाकिस्तान की पहले पहले पाकिस्तान की बॉलिंग थी बैटिंग में हम जा रहे हैं तो बाबर आजम अपने मार्क के ऊपर पहुंच गए हैं क्रीस में और मोहम्मद रिजवान अभी तक बॉलर्स के पास से गुजर रहे हैं उस बॉलिंग एंड का तो इतना डिफरेंस है इतना स्लो ये चल रहे हैं। तो वो उसमें थोड़ी तबीयत तो उनकी ठीक नहीं थी नहीं। लेकिन एक उसके बावजूद वो मैच खेले और जब वो फिर वापस आए तो उनको फिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनका तकरीबन जो है वो सांस बंद हो रहा था और ये सब तो फिर वो रातों रात हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ पे रहे और सिर्फ पाँच छः हॉस्पिटल जाने का लोगों को पता था वैसे आम लोगों को या नहीं नहीं आम तो लोगों को नहीं, नहीं, नहीं पता था छुपाया गया था उस पर हाँ हम लोगों को नहीं पता और उसकी वजह ये थी कि टीम का मुराल

लेकिन उनकी तबीयत जो है वो थोड़ा उनको नजला जुकाम बुखार था लेकिन ये कि वो रिकवर कर गए थे जल्दी आए दोनों एक ही टाइम पे वापस थे तो ये अभी किसी को भी नहीं पता कि शुएम मलिक भी अच्छा उस टाइम पे हॉस्पिटल में थे लेकिन उनकी कंडीशन और थी और सिर्फ रिजवानी कंडीशन और फिर रिजवान को क्या हॉस्पिटल गए फिर उसके आगे क्या रिजवान को जब हॉस्पिटल गए तो ये हॉस्पिटल के डॉक्टर ने फिर एक स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान अगर उस रात ना आते तो शायद रिजवान जो है वो उनके बचने के चांसेस भी कम हो जाते ओ, इतने बीमार थे स्वेयर कंडीशन उनकी हो गई थी फौरन ऊपर जो है ना वो ये चीज़ अटैक की थी लेकिन ये फिर अलहमदिल्लाद वो बेहतर हुए और वो फिर जब वापस आए तो उनकी उनको जो है वो अपना डॉक्टर ने जब ट्रीट किया तो उनका एक ही था कि यार मैंने खेलना है पाकिस्तान के लिए घंटे कितना, कितना गुजरे हाँ जी, हाँ जी, थे जब डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया अभी आते तो वो बच ना पाते जहाँ से जी, जाने के वापस आके वो खेले जिस शाम को मैच स्टार्ट होना था उसी रात को वो वापस आए थे यानी कि आप समझ लें कि दस बारह घंटे पहले वो हॉस्पिटल से आईसीयू से वापस आए थे आईसीयू से आईसीयू से वापस आए थे तो फिर ये जब वो वापस आए उन्होंने फिर खैर हमने तब तक किसी को नहीं बताया हमने छुपाए रखा और फिर माशा रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दी तो फिर वो इनिंग्स ब्रेक के दरमियान ना वो फिर ब्रॉडकास्टर एक और कर, मैच था ऑस्ट्रेलिया से से, से, से से सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वाला उन्होंने अच्छा कोई अच्छा सत्तर अस्सी स्कोर मार दिया था ये एक चीज़ है जो एज अ मीडिया स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आपने ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि क्या क्या चीज़ कब बतानी है क्या बिल्कुल हम चाहते तो हम उसी वक्त बता देते हम चाहते तो मैच टाइम पर बता देते लेकिन हमने इंतज़ार किया कि रिजवान ने कोई सेवेंटी और रन कर दिए सेमीफाइनल में तो से और इनिंग्स ब्रेक में मैथ्यू हेडन को मैं लेके गया उस प्रेस कॉन उसके लिए छोटी सी एक इंटरव्यू करते हैं ब्रॉडकास्टर अच्छा। तो उन्होंने सवाल रिजवान के ऊपर किया तो तब मैंने मैथ्यू के कान में कह दिया था कि आप बता दें कि ये अभी हॉस्पिटल से होकर आया और इसमें अच्छा। आप करिश देखें और इसमें आप ब्रेवनेस मैच तब तक आ, मैच चल रहा था अच्छा अभी एक इनिंग्स ब्रेक आई थी अभी पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट होनी थी तो उस वक्त दुनिया को पता लगा के उस वक्त मैथ्यू ने मैथ्यू ने उस दौरान exactly, में कहा की मैं आपको बता दूँ की वो सारी रात अभी हॉस्पिटल में था वो आके यहाँ पे खेला है तो वो जो चीज थी कि रिजवान हॉस्पिटल में है और इस कंडीशन में अगर वो हम पहले बता देते तो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता टीम का फैन फैन टीम का फैन का और ऑब्वियसली गिर exactly. लेकिन रिजवान ने इतने रन करने के बाद जब बताया अभी रिजल्ट नहीं आया था तो वो उसका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट हुआ और फिर हमें मैच एंड के बाद फिर हमारे डॉक्टर जो है वो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने स्टेटमेंट देकर आया और बताया रिजवान की कंडीशन के बारे में इज नाउ फाइन और ये सब कुछ तो उसके बाद तबियत ठीक रही है हाँ उसके बाद हाँ जी उसके बाद मेडिकेशन पे रहे हैं बांग्लादेश सीरीज के दौरान भी लेकिन यह है कि वो तबीयत उनकी बेहतरी है अलहद चलें जबरदस्त प्लेयर्स के बारे में रिजवान के बारे में और बताइएगा तो मजहबी थोड़ा सा माशा रुझान रखते हैं तो ओवरऑल मिजाज के बारे में डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में जाना जाए कि टीम में सबसे ज़्यादा शरारती कौन सा प्लेयर है जो शरारतें करते ज़्यादा शरारतें बहुत डिफरेंट लेवल की शरारतें होती हैं लेकिन ये है कि जो सबसे ज़्यादा है जिस पे आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि वो हसन अली है अच्छा <laughs> हसन अली बहुत शरारती हैं वो बस में भी नहीं छोड़ते किसी को वो ग्राउंड में भी नहीं छोड़ते वो मैच जब चल रहा होता है ओबियसली पोजिशन ऐसी होती है कि हम अच्छे पोजीशन पर होते हैं तो तब भी वो मजाक चल रहा होता है तो हसन अली एक ऐसा करेक्टर है और वो सबको पता है उसकी शरारतें भी ऐसी होती हैं जो सबको पता है कि नहीं ये टीम का मुाल मजे के लिए अच्छे हाँ। के लिए बेहतरी के लिए वो उनकी चल रही होती है बाज़ों का नजर भी आ रही होती हैं बहुत सारी मीम्स भी बन रही होती हैं उन पर और उनके हाँ। क्लिप्स हैं वायरल हो रहे होते हैं अच्छे एक जमाने में ये वाली शोहरत हैं वो शुहेब मलिक के बारे में की थी कि वो बहुत शरारती है जब पुरानी टीम थी और एक थोड़े से जब जूनियर प्लेयर थे तो इनके बारे में मेरे ख्याल से लेकिन अब तो शुहब भाई माशा बहुत मोस्ट सीनियर प्लेयर मोस्ट सीनियर है और वो एडवाइस वाला वो जो नहीं होता है एक फैमिली के अंदर एक बड़ा होता है <laughs> तो वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं तो ईश्वर भाई अब तो बहुत और हफीज, भाई। हफीज भाई की एक बात मैं आपको बताऊं हफीज भाई का एक करेक्टर जो है वो बहुत मजे का है वैसे तो हफीज भाई बहुत बातें करते हैं टॉकेटिव बहुत ज्यादा टॉकेटिव हाँ आप खाने पे बैठे हुए तो हफीज भाई ने खाने पर हर बात करनी है आप नेट के ऊपर है तो हफीज भाई प्रैक्टिस की हर बात करनी है कहीं भी है तो हफीज़ भाई ने हर बात <laughs> बात बहुत प्रोफेसर इसी भी है से में हाँ माशाल्लाह बहुत बहुत है वो बातें लेकिन ये कि हफ़ीज़ भाई की जो एक सबसे अहम बात है जी जी हफीज़ भाई भी सीनियर प्लेयर मैंने के साथ न्यूज़ीलैंड में भी था मैंने साथ इंग्लैंड में भी टूर किया वेस्ट इंडीज़ में भी था फिर हम लोग वर्ल्ड कप पर आ गए और फिर बांग्लादेश में तो ये नहीं गए साथ हफ़ीज़ भाई ने मुझे हमेशा जब मैं कैमरा लेके पहुँचता था ना इसकी वीडियो बना लूँ इसकी तो हफ़ीज़ भाई की बना लूँ तस्वीरें हफ़ीज़ भाई ने हमेशा कहा मेरी बन गई है चलो बस और यंगस्टर की बनाओ अच्छा अच्छा हाँ वो हमेशा ये कहते थे कि यार इन यंगस्टर्स को उठाओ हमने तो जो अपना आप हमारा आना था वो आ गया इनको दुनिया नहीं जानती है लेकिन इनमें पोटेंशियल है तभी पाकिस्तान में आए हैं पाकिस्तान की टीम पे आए हैं इन्होंने स्टार पहना है तो इनको उठाओ इनको वैल्यू करो इनको दुनिया को बताओ ताकि इनकी पर्सनैलिटी बने ये दुनिया के सामने आए प्रोजेक्ट हों तो वो हफीज़ भाई ने हमेशा जो है वो यही कहा है कि यार इनके ऊपर जाओ इनको दिखाओ तो, तो प्रोफेसर उनका खिताब किस वजह से ज्यादा बोलने की वजह से पढ़े मेरा ख्याल है ज्यादा बोलने की <laughs> और शाहन शाह आफरी ने भी एक बहुत बड़ा सबोल्व किया और अपनी लीडरशिप स्किल से लाहौर क्लेंडर को जो है वो सबके सामने माशा विन किए उनके बारे में थोड़ा सा बताएं किस नेचर के आदमी हैं शाहन बहुत फील्ड नहीं शाह बहुत फ्रेंडली हैं अच्छा जब थोड़ी सी पोजिशन ग्राउंड के अंदर जो डिफरेंट हो और शीन नॉर्मली तो वो वक्त नहीं आता कि शाहीन को कोई मार रहा हो शाहीन ही अटैक कर रहा होता शाइन लेकिन ये कि वो आ, है। बहुत अच्छे हैं बहुत ख्याल रखने वाले हैं फ्रेंडली हैं और अभी चूंकि उनकी एज भी छोटी यंग यंग है तो ये है कि बहुत बहुत फ्रेंडली और बहुत मजाक शादी कब तक एक्सपेक्टेड है उनकी फैंस को बहुत इंतजार है उस घड़ी का पता नहीं है लेकिन ये जिससे तो आ रही हैं कुछ प्लेयर्स की वैसे हाँ जिसका लेकिन चाइन चल रहे हैं मुझे लग रहा है जल्दी कर लेंगे अच्छा <laughs> प्लेयर्स कुछ शादियाँ आ रही हैं कुछ बड़े बड़े नाम जो आप वो। वो अभी तो आगे में इन्विटेशन कार्ड अच्छा जब वो तस्वीरें आएगी हाँ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन देखे बड़े बड़े नाम चलेंगे बेस्ट ऑफ लक उनको भी और शाहिन साहब को भी अच्छा प्रेस स्टॉप की बात कर रहे हैं कि शाहिन को आप प्रेस स्टॉप पर राजी कर रहे थे यार हमने देखा कि प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन ग्रूमिंग थोड़ी सी जो हम देखते हैं बाकी टीम्स की कंपेरेटिवली स्पेशली कम्युनिकेशन के तरफ जब आए तो जब कमेंटेटर इंग्लिश में सवाल करता है और प्लेयर उर्दू में जवाब देता है तो वो बहुत अच्छा सीन नहीं होता तो वो इसको कैसे देखते हैं आपको इस बारे में काम हो रहा है कोई पीसीबी की तरफ से या अच्छा मैं इसमें एक चीज़ तो क्लियर करना चाहता हूँ कि जो उर्दू में जवाब देना है ना ये हमने बाई चॉइस हमने बाई चॉइस हमने इसको किया है और हम ये चाहते हैं कि दुनिया भर में आप देखेंगे फुटबॉल दुनिया भर में देखी जाती है लोगों की लेकिन हाँ। जो नॉर्मली जो प्लेयर होता है वो अपनी ज़ुबान के अंदर जो आप देता है और फिर ट्रांसलेटर खड़ा होता है जो उसको क्योंकि जो अपनी जुबान में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इंटरव्यू क्या होता है इंटरव्यू यही होता है कि क्या हुआ Uh, क्या सीखा और क्या बेहतरी होनी थी तो वो जो अपनी जुबान में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आप किसी और जुबान में नहीं कर सकते अनलेस कि आपको दूसरी जुबान में बहुत अच्छा अबूर है hmm. uh, इसी तरह आप टेनिस को देखें लॉन टेनिस दुनिया भर में होती है तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर हैं अभी कल परसों में देखा नोवाक जोकोविच जो, जो हैं hmm. वो अपनी लैंग्वेज के अंदर बोल रहे थे दुनिया उनको सुन रही थी तो वो ट्रांसलेटर तो इंटेंशन ये कि आपने आपने जो कौमी उसको फिर तो बहुत जबरदस्त है exactly. लेकिन वैसे हैं। कौन से घबरा रहे होते हैं कैमरा फेस करते हुए या प्रेस टॉक करते हुए इम... क्योंकि बहुत से जो है उसमें छके लगा रहे होते हैं वहाँ पर उनके छक्के छूट रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक तो ये कि हम हम खुद चाहते हैं हमारी जो कौमी जुबान है सही है उसको फरोक मिले और बड़ी वजह ये प्लेयर अपने आप को आज़ाद महसूस करता उसमें है उसमें एक्सप्लेन करने में और फिर वहाँ पर मैं भी मौजूद होता हूँ हम कभी कभी बाय चॉइस हम वर्ल्ड कप में हमने ये किया था कि पाकिस्तान का या जो इंडियन कॉमिटीटर जो उर्दू को समझते हैं वो हमें मिल जाए ताकि फिर वो आगे से ट्रांसलेट करके फैंस को बता दें अच्छा। तो ये हमने वर्ल्ड कप में तो हमने ये किया था और फिर कोशिश कर देंगे सीरीज़ में अच्छा इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं प्लेयर्स की Uh, हम देखते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि जब हमारे पर टूर है या कैंप लगा हुआ है तो हम उसके अंदर एक प्रॉपर एक सेशन होता है मीडिया सेशन हमें मीडिया के बारे में एजुकेट करते हैं क्या बोलना है कितना बोलना है कैसे बताना है एक्सप्रेस कैसे करना है सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है ये सारी एजुकेशन अच्छा, हम हाँ चल रही है बिल्कुल और ये सिर्फ पाकिस्तान मैनस टीम में नहीं है अंडर नाइनटीन का जब कैंप लगता है डोमेस्टिक में तो हम ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और जब प्लेयर इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे पहले भी मीडिया डिपार्टमेंट का कोई ना कोई जो कंसर्न बंदा होता है वो उनके साथ ब्रीफ़ करता है कि अच्छा आपने क्या बोलना है क्या नहीं अभी रिसेंटली एक तस्वीर मेरी और इमाम की अभी इमाम प्रेस स्टॉक में जा रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ़ कर रहा हूँ ये पोटेंशियल क्वेश्चन है ये आपके तो हम उनको ब्रीफ करते होते हैं सही है अब आए आप इंग्लिश पे तो कुछ प्लेयर्स तो माशा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कुछ लर्निंग प्रोसेस में है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये आपके दो स्टार प्लेयर्स हैं मोहम्मद रिजवान ने ही ये बाकायदा Uh, मेरे साथ आ जाते थे वेस्ट इंडीज़ के अंदर हम थे uh, टाइम बहुत होता था कोविड की वजह से ये प्लेयर्स बाहर तो जाते नहीं थे अंदर ही होते थे तो हम लोग बैठ के घंटा घंटा दो दो घंटा इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन करते थे जो अच्छा, आपस में एक्जैक्टली exactly, जो सही भी इशूज़ होते थे हम स्नारियो बना लेते थे कि ये स्नारियो है इसी तरह बाबर आजम भी आ जाते थे वो भी फिर उसमें हिस्सा बनते तो हम ये कोशिश करते थे कि हम इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग के ऊपर आएँ तो ये तो साथ साथ चलता रहता था इसके अलावा इन दोनों को मैंने एक इंग्लिश की दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक इंग्लिश की वो जो बुक होती है जिसमें आप इजी लर्निंग है, है जो नॉर्मल हाँ जो नॉर्मल आप बातें कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो नॉर्मल आपकी डिस्कशन है दिन भर की उसके कुछ इंग्लिश के जुमले उनके उनके मीनिंग और ये सारा कुछ एफर्ट कर वो तरफ से। बिल्कुल वो बिहाइंड सीन आपको नज़र आता है कि वो उसके ऊपर काम करते हैं यही वजह है कि बाबर जब साल पहले थे तो वो शायद उस तरह इतने एक्टिव या इतने, इतने वेल स्पोकन नहीं थे अब जो है वो खड़े होके जो है वो बोल रहे होते हैं इंग्लिश बात कर रहे होते हैं रिजवान भी कर रहे होते हैं लेकिन आहता आह इंप्रूवमेंट अच्छी रेवोल्यूशन का प्रोसेस यही है हमने पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं शायद अफ्री को देखा शुरू में आए थे वो बिल्कुल भी मतलब मुनासब से उससे बात नहीं कर पाते थे लेकिन अब वो बहुत फ्लुएंट और बहुत अच्छा इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये जान के खुशी हुई कि इस बार है और वो एफर्ट भी कर रहे हैं सिलसिले में तो ये बड़ी इसमें से कैमरा शायद कौन सा है मतलब जबान कोई भी हो आ, लेकिन ज़रा मतलब मीडिया टॉक करना एक पूरी एक डिफरेंट एक पूरी साइंस है आप समझ सकते हैं बतौर मतलब तो मीडिया स्टूडेंट भी तो ये कौन सा शाया और कौन सा प्लेयर जो है वो कॉन्फिडेंट है अब तो खैर वैसे आपकी टीम में कोई भी ऐसा मैं प्लेयर पर अगर किसी को भी कहूँगा तो वो फ़ौरन आएगा मीडिया टॉक टॉप सही है आ, लेकिन न्यूज़ीलैंड में मुझे याद जब मेरा पहला टूर था तो खैर परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने हारिस सुहेल को मैंने कहा कि आप आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं आप अच्छा बोलते हैं इंग्लिश भी बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड अच्छा। का मीडिया तो आप एक्सप्लेन करिएगा प्रोसा अभी मैच पड़ा हुआ था तो जब होगा तो हम फिर मिसबा भाई को ले जाऊंगा या किसी और को ले जाऊंगा जब मैच की सूरत हाल होगी तो वो ही वॉज़ बिट रिलेक्टेंट के यार नहीं ये वो हालांकि हारिस वैसे जो है वो एक कॉन्फिडेंट हैं बात करने लेकिन ये कि मुझे तब फील हुआ कि यार अभी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत तो वो एक लम्हा ज़रूर था आ, के उसके ऊपर जो है वो से, से, थोड़ा सा मुझे लगा लेकिन अभी अगर आप किसी भी लड़के के पास कि कोई भी ऐसा लड़का मेरे ख्याल में इस टीम के अंदर नहीं है जो कैमरा शायद हो अब्दुल्ला शफीक अभी नए प्लेयर है लेकिन चूंकि वो नए आप उनको थोड़ा सा मार्जिन देंगे कि वो थोड़ा सा जो है वो अपना बात जब कैमरा खुलता है तो वो उनके थोड़े से वैसे ही बोलते कम है तो जब कैमरा खुलता है तो और कम हो जाते हैं लेकिन वो अभी नए हैं वो भी सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जब इस प्रोसेस के अंदर आ गए अच्छा ये सारी एवोल्यूशन है ये सारी ट्रेनिंग है जो ग्रूम हो रहे हैं जो वॉल्व कर रहे हैं लोग इसमें पी एस एल का कितना किरदार है आपके ख्याल में जो हम हर साल जो एक प्रैक्टिस करते हैं पूरी एक ज़बरदस्त एक ब्रांड डेवलप हो गया है तो पी एस एल का क्या किरदार देखते हैं आप प्लेयर्स की ग्रूमिंग में और इस बाकी एवोल्यूशन में नहीं देखें पी एस एल में जहाँ पर आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके ड्रेसिंग रूम में होंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप ट्रेनिंग करेंगे उठना बैठना मैंटोज़ इंटरनेशनल वेव रिचर्ड जैसे हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो जब वो आते हैं तो एक तो आपको एक एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी स्किल्स इनहेंस होती है और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के अंदर क्योंकि जब वहाँ पे जब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और वहाँ पे जो इर्द गिर्द जो माहौल है उसके अंदर आपकी आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी ओबियसली आप डीलिंग अच्छी कर सकेंगे तो इन, पी एस एल ने नो डाउट क्रिकेट में बहुत आपकी नए यंगस्टर्स को सामने लाने में अहम किरदार की अदा किया है

शुक्र है अभी लोग माफी दे देते हैं तो ये जितना मैक्सिमम कर सके वो है प्रेशर बहुत होता है लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से आपको बता देना चाहिए कि ये प्रोसीजर आप इसको फॉलो करके आप लोग टिकट्स ले सकते हैं लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को जो अच्छा है टिकट्स भी दें उनको लॉन्च दें चलिए मजे की बात यह है कि एक तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है लेकिन अभी थोड़ा सा वो पाकिस्तान में ना ई टिकटिंग या ई उसका कांग्रेस वाला नहीं है तो इसलिए लोग अब थोड़ा सा कोविड की वजह से हम लोग वो करते नहीं थे कि वो आउटलेट्स के अंदर जाके आप खरीद लें कोविड था कोशिश करते थे कि दूर रहें तो फिर ई टिकटिंग पे आ गए तो वो कॉन्सेप्ट इतना था नहीं लोग खरीदते नहीं थे तो दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर अगर फर्ज किया कि टिकट दे दिया अगली दफा मैं कि जी, मेरे कजन ने मैंने एक दफा देखना है, उसने तो फिर ना नहीं करनी फिर नए ने लेकिन आ जाना तो ये ये आजमाइश होती है अभी कोई एक दो प्लेयर्स को थोड़ा सा

ट्विटर का खास पर ट्विटर पे ही सब ज़्यादातर प्रेशर है बहुत सिंपल है उन्होंने खुद आपको ऑप्शन दी हुई आपने आपके अकाउंट के अंदर कि आप अपने अकाउंट प्राइवेट अकाउंट सेटिंग्स में जाए वहाँ पर अपना अप्लाई करें सिर्फ ये है कि क्रिकेटर का ज़रा जल्दी हो जाता है क्योंकि वो प्लेयर्स हैं रीनाउंड हैं अपनी प्रोफाइल को आप एक्टिव रखें उसके अंदर जो आपके लिंक हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं किसी के लिए आप जैसे फर्स्ट कि आप जर्नलिस्ट हैं जी जी तो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर लिखें और फिर साथ लिंक दें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेबसाइट का लिंक जहाँ पे आपके कॉलम या आपके फीचर्स पड़े हुए हैं जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन मौजूद है एक्जैक्टली exactly. तो वो करें पॉपुलेट रखें अपने अपने अकाउंट को और फिर आप अप्लाई करें तो आपको ऑप्शन देगा कि अच्छा आपने अप्लाई करना है आपकी कुछ स्टोरीज जर्नलिस्ट हैं तो कुछ स्टोरीज़ हैं जो हम देख सकें वो आपको तीन ऑप्शन देगा तीन अपनी स्टोरीज लगाएं वहाँ पे तो आपको अब आप तो खैर बहुत जल्दी हो गया अब तो छः छः घंटे के अंदर हो रहा आज कभी है आजकल बिल्कुल ऐसे कभी कभी वो बीस बीस तीस तीस दिन भी लगा देते हैं पॉलिसीज अपडेट हुई हैं तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जी इब्राहिम भाई ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वेरीफाई करवाने का और टिकट लेने का क्या प्रोसीजर है दोनों मौजूद है वहाँ पर आप ई टिकटिंग के जरिए से बुक में या किसी और ऐप के जरिए से वो ले सकते हैं लास्ट टू क्वेश्चन इब्राहिम भाई पाकिस्तान क्रिकेट क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप अभी करंट सनारी के अंदर अभी मेरा ख्याल एवोल्यूशन में हम पोलिटिकली भी चेयरमैन पी सी भी गालिबा आजकल रमीज राजा हैं या नहीं है इसके बारे में भी डाउट है और एक तो ये बताइएगा और दूसरा भी अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है उसके लिए क्या तैयारी है हमारे लिए देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सूरत हाल ये है कि मैं जब हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे हा तो मेरी डिस्कशन हुई कैप्टन के साथ भी और उनका भी यही कहना था कि हम लोग अब टेक ऑफ पोजीशन पर हैं सही है। हमने जितनी मुश्किल थी वो उसके ऊपर हम आ गए अब हम टेक ऑफ पोजीशन पर आ गए अब हमने यहाँ से उड़ना ही है नीचे नहीं आना तो हमारी और अगर आप न्यूजीलैंड टीम को देखें ना तो तकरीबन तो तो तीन साल तीन पाँच तीन साल पाँच साल पहले न्यूजीलैंड की टीम ऐसी थी कि वो भी कम्बिनेशन बना रही थी वनडे का हो वाइट बॉल का हो रेड बॉल का और लेकिन फिर पिछले साल आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने जो फिफ्टी ओवर वर्ल्ड कप है उसके फाइनल में इंग्लैंड के साथ बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया पहली दफ़ा वो पहुँचे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए टी के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया हमसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने उस, उनको हराया था लेकिन वो बहुत बेहतरीन टीम थी वो मुश्किल से ही हारी तो न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो इस जिस प्रोसेस से वो गुजर रहे थे चार पाँच साल पहले उससे हम पिछले डेढ़ साल से गुजर रहे हैं सही है। जब, जब बाबर आजम फिर मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा न्यूजीलैंड टूर पर ही वो फुल फ्लैज कैप्टन बने थे तो टीम न्यूजीलैंड टूर पर एक भी मैच सिर्फ एक टी ट्वेंटी जीती थी बाकी सब हार गई फिर हम इंग्लैंड गए तो पाकिस्तान टीम की वनडे टी ट्वेंटी के अंदर कुछ परफॉर्मेंस थी वनडे में नहीं थी वेस्ट इंडीज़ में जब हम गए तो हमने टी ट्वेंटी भी जीत गया हम टेस्ट में भी बड़े ज़बरदस्त थे वर्ल्ड कप में आए तो हमने दुनिया को हैरान कर दिया पहले हम हार रहे थे एकदम हमने हैरान तो हम इस उस प्रोसेस से हैं कि अब हम टेक ऑफ पोजिशन पर मुझे ये लगता है कि जो अगला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इसी साल है उसमें पाकिस्तान गो के ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन पाकिस्तान की उसमें परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल होगी अच्छा। और मुझे ये लगता है बिल्कुल होप फुल है और अगर मुझे ये लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान की टीम जिस तरह बन गई हुई है उसने तकरीबन सारी स्लॉट्स फिल कर ली हुई है तो पाकिस्तान की टीम टेस्ट वनडे और टी ट्वेंटी के अंदर एक बेहतरीन टीम है और जो टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है वो पाकिस्तान का साल है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का मिड से ऑनवर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पाकिस्तान का साल है जिस तरह मैं टीम को बनते हुए देख रहा हूँ जबरदस्त बाकी चीज़ें आपको पता है ऊपर नीचे होती रहती हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमेश हैं और जिस तरह वो इनिशिएटिव ले रहे हैं अब जूनियर लीग के ऊपर बात आ गई कि पाकिस्तान जूनियर लीग जो नए लड़के हैं ये आईसीसी सोच रहा है रहे आगे अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप का वो भी सोचता है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का वुमेंस का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वो कराने लिए जा रहा है तो अब फ्यूचर आगे जो है वो उसकी तरफ देख रहे हैं तो बाकी ये है कि क्योंकि पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो अगर ऊपर एक अनसर्टेनिटी uh, आए तो ऑब्वियसली वो फिर नीचे नेगेटिव इंपैक्ट आता है इंपैक्ट आता है लेकिन ये कि कोशिश यही होती है पीसीबी की भी और बाकी जो वहां पे हैं कि उसका खास इंपैक्ट आए ना लेकिन ये कि जो प्रोसेस है वो चलता रहे अच्छा रमीज राजा की अपने बात की मैं अपने जहन में आ रहा है कि आपने जो पी की जो ओपनिंग की थी एक ई ओपनिंग थी वो मतलब एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बनी थी इमरान खान उसमें वो टच करते हैं और वो उससे ओपनिंग होती है ये किसका आइडिया था बड़ा क्रिएटिव था और किस तरीके से इसको मैनेज किया उसका कोई बिहान था स्टोरी अगर तो ये, ये अपना चेयरमैन साहब का खुद का इनिशिएटिव था बहुत पता है वो वैसे भी कमेंटेटर रहे है, हैं तो उनका एक डिजिटली एक, एक बिल्कुल उनका आइडिया था और उसके साथ ही वो कुछ लड़के भी रोशन सितारे सो आए थे वो भी फिर वो अल्टीमेटली कन्वर्टेड इन टू पाकिस्तान जूनियर लीग तो वो जो इनिशियटिव था वो भी उनका था और उनके आने से डिजिटली भी जो है वो हमारा बहुत एक बूस्ट आया वो खुद इन चीज़ों को बहुत मैनेज करते हैं। यू सो भाई भाई, यू सो को मिला नहीं थैंक यू सो मच और मैंने आपका आज कोई डेढ़ दो महीने पुराना जो आज वो हाँ नहीं बिल्कुल सारे शिकवे दूर हो गए और एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा भी किसी मौके पर आए और ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है आपने बयान की जो अपने अचीवमेंट बताई अपने पूरी एक ऑडियंस की और फैंस की साइकोलॉजी बदल दी है जो उनका एक रवैया बिहेवियर चेंज आपने ये बहुत एक ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है और नेशनल कॉज में कॉन्ट्रीब्यूशन है सो थैंक्स अगेन जनाब थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया